पॉज करा दो ना यार, मैं बार बार कुछ कर बोल रहा हूँ यार। आप सब आज यहाँ पे मौजूद हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जिंदगी शतरंज रिलीज हो रही है 28th of January 2023 को। आप सब लोग फिल्म देखने आए, और आज इस फिल्म के जो म्यूजिक रिलीज होने जा रहा है उसके मौके पर हमारे साथ मौजूद हैं शेर पंजाब लिविंग लेजेंड और हमारे संगीत जगत की शान आदरणीय श्री दलेर मेहंदी जी, इस सॉन्ग की कंपोजर इंद्राणी भट्टाचार्य जी, हमारे फिल्म के प्रोड्यूसर आदरणीय फहीम कुरैशी जी, इस फिल्म का जिनके कंधों पर दारोमदार है भाई हितेन तेजवानी जी, और वो शख्स जो चाकू लेके आपको इसके प्रोमो में नजर आ रहे हैं, वो चाकू से कौन कटाई आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, आदरणीय हेमंत भाई जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सबसे पहले ईश्वर का, आप सभी का, और फिर मेरे सभी जो स्टार्स यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे मेरी शायद औकात से ज़्यादा दिया भगवान ने मुझे, मैं जिसको डिजर्व करता था उसे ज़्यादा प्यार दिया मुझे सबने, सहयोग दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और आगे आपके हवाले मंच। इतने अच्छे लोग हैं कि मामला ऐसे गड़बड़ हो गया सर? नहीं, मामला गड़बड़ नहीं हुआ, ये तो जिंदगी शतरंज है, उसमें गड़बड़ शतरंज में क्या गड़बड़ चल रही है, वो अपना किंग बताने की कोशिश कर रहे हैं गाने के माध्यम से सबको। आपको पता चलना चाहिए ना कि गड़बड़ हो रही है। कैसे गड़बड़ हो रही है? क्या देखो, गलत है तो कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ गड़बड़ ओए गड़बड़ गड़बड़ वो वहां पे तक देखना पड़ेगा ऐसा। सर कैसे बोर्ड पे आते हैं? सर कैसे बोर्ड पे ऑन बोर्ड कैसे हुआ? कैसे देखिए, जब कुछ आप नसीब लेके आते हैं इस दुनिया में, तो शायद मैं भी ऐसा वो शख्स हूं जो एक अच्छा नसीब लेके आया। मैंने रिक्वेस्ट की, उसे दलेर पाजी ने एक्सेप्ट किया, और मैं बहुत हार्दिक आभारी हूँ कि मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला, उन्होंने मुझे अवसर प्रदान किया। सेम हैपनिंग इज़ विद द हितेन तेजवानी जी, सेम हैपनिंग विद द हेमंत पांडे जी, सेम हैपनिंग विद मेरे प्रोड्यूसर फहीम कुरैशी जी, इंद्राणी। तो मैं एक बड़ा एक खूबसूरत कॉम्बिनेशन तैयार हो गया। तो हम लोगों ने पाजी के नेतृत्व में, हितेन भाई के सदे हुए सेनापतित्व में, और आदरणीय हेमंत पांडे जी के कुशल व्यू रचना में इस फिल्म को बनाया है। तो मैं समझता हूँ बहुत पसंद आएगी लोगों को। दिलीप जी, जब आपका गाना आया था तब आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या था और क्या? मैं गाना बहुत अच्छा, गाना बहुत अच्छा लगा, इनका नेचर बहुत बहुत कमाल था। इनका मिलने आए, उसके बाद मैं ना फिल्म करना चाहता हूँ, मैं ऐसा करना चाहता हूँ, तो धीरे 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 समझाते गए, तो मुझे बातें सारी समझने में 3-4 हफ्ते लगी है इनकी बात। फिर मुझे लगा कि चलो यार कर देते हैं, पहले गाना हो गया, फिर बाद में थोड़ी देर में चाहता हूँ कि आप उसको वीडियो भी मैं शायद आप पे कर लूँ। मिला कि कोई कोई कुछ करना चाह रहा तो जरूर कर। मैं वैसे बहुत ही बहुत मूडी हूँ, और कई बार बहुत बड़े बड़े काम पैसा भी होता है लेके आते हैं, मैं छोड़ देता हूँ, नहीं करना। तो कई बार ये हुआ यार कुछ कोई करना चाह रहा तो क्या पता कैसा माहौल हो। और मैं बहुत ही, मुझे इस बात की खुशी है कि रब ने यह दिन दिखाया कि आज हम लोग इस फिल्म को रिलीज़ कर रहे हैं, म्यूज़िक रिलीज़ कर रहे हैं। और वरना फिल्में तो बहुत सारे लोग लेके आते हैं, बहुत कुछ होता है, पर बहुत आप सबको मुबारकें नए साल की, और हम सबको बहुत मुबारकें कि इस साल के अंदर शुरुआत में ही फिल्म शतरंज आ रही है और बड़े पर्दे पर आ रही है। मैं भी सुनता आपका इंटरव्यू सुनता हूँ, आप कह रहे थे अक्सर कुछ ना कुछ आप टिप्स देते हो, कुछ नुक्स गाने डालते हो, ऐड करते हो गाने के अंदर, इसमें कुछ ऐड किया आपने या फिर? इसकी जो हुक लाइन है वो दलेर पाजी की है, जो जो इसमें जो एक्ट किया है वो पाजी, आप पोस्टर भी देख पा रहे हैं कि पाजी की हुक लाइन है, तो ये एड ऑन था कुछ सर लाइन हो जाएगी। गड़बड़ गड़बड़ अब तो इतना ही तो मेन हुक लाइन ही चली जा रही पूरा दिमाग पे, और वो आपको जब जब मूवी देखेंगे आपके यही बस जाएगी दिमाग में गड़बड़ गड़बड़, तो फिर आप भी खुद करोगे, खुद ही घर में शतरंज चलाते फिरोगे कि कुछ गड़बड़ है, पीछे से यही म्यूजिक चलेगी गड़बड़ गड़बड़। अच्छा किरण जी, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि दिलीप पाजी गाने गा रहे हैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, आपका क्या? मेरे तो हाथ पैर कांप रहे थे जब पहली बार दुष्यंत जी का कॉल आया। एक तो माहौल था बड़ा सैड वाला क्योंकि लॉकडाउन था, और अचानक दुष्यंत जी का कॉल आया कि इंद्राणी चलो दिल्ली जाना है, दलेर पाजी ने बोला है कि गाना उनको बहुत अच्छा लगा। मैं बोला म्यूजिक प्रोडक्शन कंप्लीट नहीं हुआ, 2 दिन दे दीजिए। तो मैं तो हाथ पैर मेरे कांप रहे थे क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और वहाँ पे इनको ईश्वर माना जाता है, मतलब वैसे ही, और हम लोग वैसे ही देखते आए हैं, और जब उनके सामने जाके उनको रिकॉर्ड करना मतलब मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। और ये ऑब्वियसली दुष्यंत जी नहीं होते थे, पॉसिबल नहीं होता क्योंकि एक म्यूज़िक इंडस्ट्री में बहुत कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, और एक नए कंपोज़र और वो भी एक फीमेल, तो कंपटीशन और ज़्यादा है, मौका मिलना बहुत
बट इन्होंने ऑलवेज टैलेंट को बहुत देखा है और मुझे मौका दिया, और वो भी पहला गाना पॉप किंग जो है सर गा रहे थे, तो वो मैं समझा नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं है। कुछ टिप्स वगैरह दिए सर ने, क्योंकि सर काफ़ी एक्सपीरियंस है। सर तो ऐसे है कि मैंने ऐसे ग्राउंडेड आर्टिस्ट जिंदगी में नहीं देखा। मैं बहुत साल से काम कर रही हूँ धीरे धीरे छोटा छोटा करके, और बहुत लोगों से मिली पर ऐसा एक्सपीरियंस मेरा नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया नहीं कि मैं एक नई कंपोज़र हूँ। उन्होंने इतना रिस्पेक्ट दिया वहाँ पर स्टूडियो में जाके, मुझे फील ही नहीं हुआ कि मैं पहली बार कोई रिकॉर्डिंग करने जा रही हूँ भी ऐसे लेजेंड के साथ। सो फहीम भाई, आपका क्या है, आप कैसे, अच्छा प्रोड्यूसर जब कहा गया कि ये फिल्म करनी है और ये दिग्गज लोग हैं, तब क्या कुछ? दुष्यंत प्रताप सिंह जी मेरे काफ़ी जूने मित्र हैं और हमारी दोस्ती काफ़ी सालों से है, लेकिन कोरोना था, सर आए बैठे करे, हमारी चर्चा चली, मैंने सर को बोला थोड़ा रुक जाते, सर रुकते तो है ही नहीं इनका प्रॉब्लम ये है, तो बोले नहीं बनाते। पिछले महीने भी एक मूवी रिलीज़ हुई थी, अब ये मूवी भी रिलीज़ हो रही है, उसमें फिर पापा जी का एक बड़ा हाथ है ये मूवी में, और हमारे ही स्टूडियो में लैब में पोस्ट प्रोडक्शन का पूरा काम हुआ है, अब साथ चलते हैं। अब मूवी तो तेजवानी साहब ने भी काफ़ी मेहनत की है, पांडे जी सभी ने, पूरे लोगों ने की है। मूवी में सस्पेंस बहुत है, लोगों ने थिएटर तक जाना चाहिए, क्योंकि यही मूवी, ऐसी मूवी बहुत कम बनी है पिछले कुछ सालों में। ये स्टोरी ऐसी है कि बता नहीं सकते, लेकिन थिएटर में लोगों को मज़ा ज़रूर आएगा। काफ़ी मेहनत की है सभी लोगों ने, खासतौर से डायरेक्टर साहब ने काफ़ी मेहनत की है, सभी ने अपने अपने तरफ से योगदान दिया है, तो आशा करता हूँ कि मूवी अच्छी चले और लोग देख के हमें थोड़ा सा हौसला हमारा बढ़ा है अभी कर सके। और ख्याल तो वेब सीरीज़ का भी है, सर से चर्चा किए, पापा जी को भी बोला मैंने अभी कि वेब सीरीज़ का थोड़ा सा मूड बन रहा है, अभी दुष्यंत जी के ऊपर है क्या करते हैं वो। अहमद सर बात कर रहे हैं, किस तरह कैरेक्टर है आपका, कुछ क्या किरदार? वासु आप की शुरुआत नहीं बताइए। देखिए मेरे, मैं तो कैरेक्टर तो बाद की बात है, जिस दौर में ये पिक्चर आई थी अपने पास, वो उस वक्त ऐसा था कि मुंबई में रुके कि जाएं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा था, कब शूटिंग शुरू होगी ये पता नहीं था, तो ऐसे दौर में जो है आप एकदम हमारे लिए अन्नदाता बन के आए उस वक्त, तो मैं मना करने वाला तो कोई बात ही नहीं थी, और इन शर्ट में व्हाट्सएप पे मैसेज देते थे कम पैसे वाला, तो वो भी हमें मंजूर था खुल के, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन जब काम में आए, शूटिंग में आए, जिस शिद्दत से, क्या होता है, एक तो हम जिस भाव से आए ठीक है, लेकिन मेन जो आदमी जो चला रहा है, जो कैप्टन ऑफ द शिप है, उनकी शिद्दत देखी, उनका जुनून देखा, तो वो फिर उसके बाद फिर किरदार की तरह से समझाया, तो और हम तो वैसे वाले एक्टर हैं कि डायरेक्टर की बात सच्चाई से सुन लेते हैं, उसके बाद एक्टिंग करते हैं, फिर सब लोग उसको अच्छा समझते हैं, तो वैसे ही आपके साथ भी हो, आपकी बात पूरी सुन ली, तो एक ऐसा किरदार जो कि सस्पिशियस आपको लगेगा यही आदमी, हर हर कई सिचुएशन ऐसी आती है तो आपको लगता है यही वो मेन आदमी है, हाँ वाह, तो गड़बड़ है, हाँ, तो वो मौका मिला बड़ी सहजता के साथ आपने भाजी, बहुत सरल तरीके से, जिस तरीके से मेरे को प्रस्तुत करने का अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद। और नितिन भाई जैसा एकदम मुक्त स्वभाव का आदमी, कलाकार अच्छा और उसके बाद आदमी अच्छा, तो अच्छी लोगों में के साथ, और इस साल की तो शुरुआत बड़ी अच्छी हो रही है कि हम दिलेर पाजी के साथ मंच साझा कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो वही गर्व की बात है। मेरा किरदार ऐसा है कि मैं जैसा दिखता हूँ वैसा इसमें नहीं, सिंपल एक, जैसे ही आप लोग मुझे देखेंगे आपको लगेगा कि जैसे इन्होंने कहा है कि यही गड़बड़ है, तो वैसे हर किरदार के साथ यही लगे यही गड़बड़ है, नहीं ये होगा, नहीं नहीं ये होगा, तो ये आप खेलते रहेंगे टेबल टेनिस पूरा पूरी फिल्म में, फाइनली आपको पता चल जाएगा। बट बहुत ही डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया है दुष्यंत जी ने इसे, क्योंकि जब इन्होंने मुझे बताया कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, जैसे बताया कि पैंडेमिक, पहली बात तो ये कि कैसे शूट करेंगे इतने सारे लोग और क्या, बस करेंगे आप खाली हाँ बोलिए, बाकी सब सेट हो गया, और मतलब मेरा कैरेक्टर का फोटो वोटो पहले से ही, मुझे कास्ट करने से पहले ही इन्होंने पूरा मेरे को मतलब लिखा ही मेरा नाम लिख के था कि ये यही है, यही मतलब आपको श्योर था मैं करूँगा,
बोला हाँ 100%। मैं चलो भाई ठीक है, तो आपकी बात सही करते हैं, करते लॉकडाउन में शूटिंग हुई है। अरे खतरनाक, ऐसा दौर की शूटिंग तो कर रहे हैं, ये पिक्चर देख पाएंगे कि नहीं मालूम है। लोग टपक रहे थे, जा रहे थे। मुझे भी याद है हितिन भाई को अचानक कुछ लगा तो कम से कम 20 बार ऑक्सीमीटर चेक कराओ। ये तो फुल हर बार तो बहुत हम लोग भी घबरा गए थे कि क्या करें। मैं तो यार दूसरी शूटिंग भी कर रहा था एक्चुअली, तो मैं अगर किधर बीमार पड़ गया या कुछ हुआ तो सिर्फ वो सेट ही नहीं, दूसरा सेट भी जाएगा, घर भी जाएगा। उधर तो ऐसा था ना, सीधा सब बंद, अंदर 7 दिन के लिए सब बंद। बीएमसी वाला आएगा, ताला मारेगा, बट अंदर ही बैठ, किधर नहीं जाएगा। मतलब भाई किसी को फंसाना नहीं, चेक करते रहो, लफड़ा नहीं चाहिए, चेक कर रहे, सब ठीक है भाई, सब ठीक है। नॉर्मल जुकाम भी तो वही लगता था ना, जुकाम तो हो ही सकता है ना आदमी को, लेकिन क्या करे, आजू बाजू में हालात ऐसे थे, नॉर्मल जुकाम में भी लगता था भाई सब ठीक, लेकिन सब ठीक है, डोंट वरी। ये काढ़ा काढ़ा लेके चलते थे, काढ़ा मैं काढ़ा पिलाता हूँ ऐसा। हाँ, उस दौरान ये जरूर हुआ कि हमने अपना किचन कैरी करना शुरू कर दिया। भीलवाड़ा भी शूटिंग के लिए तो अपना दाल, अपना चावल, भाजी, नमक, मसाले, घी वी का छोटा वाला पैकेट 200 ग्राम का, इलेक्ट्रिक केतली, अपन ने वो जीवन अपना लिया। वाह, गरम पानी पियो। हाँ, काढ़ा काढ़ा देते थे फर्स्ट क्लास। बोलो ये दौर ही है। इस फिल्म के साथ बहुत हमारी मीठी मीठी यादें, बहुत चमत्कार है, लेकिन मैं बताऊँ ये चमत्कार अभी भी जारी है। पाजी का इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, हितिन अब तो दोस्त हैं हम, मेरे हेमंत भाई से बहुत अच्छी दोस्ती है, फहीम भाई तो हमारी घर की खेती, हम चाय जब काट लेते हैं इनको, क्या बात है। तो लेकिन जब ये फिल्म के प्रमोशन की बात आई तो मैं सच बताऊँ मेरी कभी पाजी से बोलने की हिम्मत नहीं होती कि आप आओ, बिकॉज पाजी का अकेले तो आते नहीं है, इनका एक किंग है, मैं राजा बोलता हूँ हमेशा, तो इनका पूरा ग्रुप रहता है, तो पूरे और अपना एक प्रोटोकॉल है आपका, आपको गाड़ियाँ सब प्रॉपर सब ट्रीटमेंट चाहिए। तो मैंने जब पाजी को बोला कि मैं इसका म्यूज़िक रिलीज़ हो रहा है और मैं बॉम्बे में, आज दिलीप भाई पिछले 3 दिन से बॉम्बे में हैं, 3 दिन दिलीप भाई ने मुझे दिए अपने, मैंने कुछ भी दिलीप भाई के लिए, मैं शायद इतना भी मैंने नहीं किया कि मैं एक गाड़ी लेके इनको एस्कॉर्ट करने पहुंच जाऊं कि मैं आपकी गाड़ी के आगे आगे आ रहा हूं। दिलीप भाई मैनेज एवरीथिंग विद हिमसेल्फ, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स मैं समझता हूँ एक बहुत एक उच्च कोटि कलाकार की, और हम जैसे जो हम लोग जैसे जो ग्रोइंग डायरेक्टर्स हैं या ग्रोइंग प्रोडक्शन हाउस हैं उनके लिए शायद ऐसे लम्हे इंडस्ट्री में बहुत कम डायरेक्टर्स को मिलते होंगे, तो इस मामले में मैं बहुत बहुत लकी हूँ, ईश्वर का बहुत आभार अदा करता हूँ। आज भी ये जो लम्हा है, ये शायद मैंने इस फिल्म की रिलीजिंग जब प्लान की थी तो ये मैंने मेरे माइंड में नहीं था कि ऐसा कर पाएंगे हम लोग, लेकिन अगेन माई ड्रीम्स कम ट्रू। सो थैंक्स टू किंग, थैंक्स टू हितिन भाई, थैंक्स टू हेमंत भाई, इंद्राणी, फहीम भाई, और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जब भी आपको बुलाता हूँ आप आते हैं, प्रेम से कवरेज करते हैं, तो उसके लिए वी डोंट हैव वर्ड्स, वी कांट रीपे, बट डेफिनेटली आई मेक यू ऑल प्राउड, और आपको बहुत अच्छा लगे। थैंक यू। मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ है, रजी ने काले ले मजा, डरने की क्या बात है, ना 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 रे ना रे ना रे ना 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 रे ना रे ना, गड़बड़ गड़बड़ ओए गड़बड़ 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 गड़बड़। थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत बहुत, बहुत बहुत।